दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ में कैसे पास किया जाए, उसको पास करने का रामबाण इलाज। मैं ऐसा मान सकते हैं कि एक रामबाण ट्रिक है, अगर ये आपने फॉलो कर लिया तो आप आराम से कम 80 या 90 प्लस मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो। सो नंबर वन ट्रिक देखो क्या है हमारे पास, सबसे आसान ट्रिक है, पैसे जो हमारे पास आएगा, ये दो पैसे आएंगे हमारे पास 9+6 मार्क्स के, हमारे पैसे आएंगे दोनों के जो नंबर होगा वो होगा 15 नंबर का या 15 मार्क्स का। इसमें क्या है कि हमारे पास MCQ बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे और ये दोनों ही आप उठने करने आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, नोटिस या इनविटेशन, तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप ले सकते हो। और इसकी जो नंबरिंग है वो कितने नंबर का हमारे पास, ये 4 नंबर का है। फिर रिपोर्ट कर रहे हैं या ट्रांसलेट कर रहे हैं हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश में दिया होता है और ट्रांसलेशन होता है हमारे पास ये हमेशा ही हिंदी में, आसान सा है। और कितने मार्क्स का हमारे पास, ये 5 मार्क्स का है। जो लेटर हमारे पास है, लेटर से अच्छा काम क्या होता है कि लेटर में हमें क्या करना होता है, ऑप्शन हमारे पास लेटर 4 रहते हैं, कोई भी हमें 2 दिए होते हैं और एग्जाम में हमें करना कितना होता है, ओनली 1 लेटर करना होता है। इसकी जो रैंक है, जो नंबर है, वो कितने नंबर का हमारे पास, ये 6 नंबर का है। जो ग्रामर पोर्शन हमारे पास, ये 8 नंबर का है। और जो 8 नंबर है ये बहुत हमारे लिए क्या होते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बुक फर्स्ट हमारे पास है, पहली बुक जो हमारे ट्वेल्थ की है, ठीक है। इस बुक में से क्या करना है आपको, पैसे सॉल्व करना है। और कितने मार्क्स के हमारे पास आते हैं, 6 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 हमारे पास सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड पूछो या सिमिलर वर्ड या एंटोनिम्स पूछो, तीनों दोनों का मतलब क्या होता है हमारे पास, सेम होता है। देन दोस्तों बात करते हैं हम रेफरेंस कॉन्टेस्ट या स्टेंजा की बात करते हैं। जो रेफरेंस कॉन्टेस्ट है इसमें क्या होगा, हमारे पास ट्वेल्थ में 6 पोएम है और उन पोएम में राइटर का नाम और पोएम के नाम आपको लर्न करने हैं। उनमें से कोई भी 2 पोएम का आपको दे सकते हैं एग्जाम में, उन 2 में से कोई भी करना है आपको एग्जाम में 1 क्वेश्चन करना है। और जो मोस्टली जो हमारे पास पढ़ी जाती है वो 6 की 6 पोएम है, आपको 6 की 6 याद करने हैं। फिर मैंने एक नोट डाला हुआ था, इंपॉर्टेंट बात डाल लिखी यहाँ पे, कि जो MCQ है हमारे पास, ये हमारे पास ओनली किस बुक के आएंगे, हमारे पास सेकंड बुक के आएंगे, ओनली सेकंड बुक। कितने भी MCQ है, टोटल हमारे पास लेसन हमारे पास 8 है और इस 8 में से करना है आपको सारे लेसन पढ़ने हैं और साथ में क्या आएंगे उनके हमारे पास MCQ आएंगे। देन सबसे लास्ट टॉपिक है नोट, वो याद करना आपको कि पोएम में से आपको समरी लर्न करनी है, पोएम में से थीम होती है या समरी आपको बिल्कुल लर्न करनी है, पोएम के बारे में समरी पढ़ लो उसकी आप, या आप उसकी आप थीम पढ़ लो। ये हमारे पास है रामबाण इलाज, ये हमारे पास ट्रिक है कि आप इसको फॉलो करते हो तो एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में आपके पास कम से कम 90% मार्क्स, तो आपको टाइम बहुत है, अभी भी 1.5 महीना है, तो 1.5 महीने में इसको फॉलो करना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें और आप, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।